नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीएस न्यूज 24 लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में राज्य का 6,15,518 करोड़ का बजट 2022 से 2023 में पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किया, सभी जिलों में उत्पादों को बढ़ावा दिया, फिल्म सिटी की स्थापना का फैसला लिया, मुफ्त गैस कनेक्शन भी दिए गए, गरीब लोगों को फ्री राशन देने का फैसला किया गया, किसानों को आर्थिक सहायता दी गई। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान की इस्लामाबाद रैली को रोकने के दौरान पुलिस व पीटीआई कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस्लामाबाद का मेट्रो स्टेशन टूटने की खबर की है। कई जगह कार्यकर्ताओं व सुरक्षा बलों में भिड़ंत हो गई। सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी मिली है। 11 बार उन्हें धमकी भरे फोन किए गए, उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। भारत मानवीय संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान के लोगों को महत्वपूर्ण सहायता मुहैया करा रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका के विशेष दूत थॉमस वेस्ट ने इसके लिए भारत की प्रशंसा की है। ट्विटर के फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने ट्विटर बोर्ड से भी इस्तीफा दे दिया है। जैक डॉर्सी ने पिछले साल नवंबर में सीईओ के पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद भारत के पराग अग्रवाल को नया सीईओ बनाया गया है। इस इस्तीफे के बाद ट्विटर से जैक डॉर्सी का रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया है। आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोविड 19 के इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 443 की वृद्धि दर्ज की गई है। संक्रमण की दैनिक दर 0.58% दर्ज की गई और साप्ताहिक संक्रमण दर 0.51% रही। तेलंगाना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय कुमार ने असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए तेलंगाना की हर मस्जिद की खुदाई की जाएगी, राम राज्य आने पर उर्दू पर पाबंदी लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल कोर्ट ने समूह से संबंधित कंपनियों की जांच पर अंतरिम राहत देने और जांच पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है। एमसीएक्स पर सोने की कीमत में 0.4% की गिरावट आई और इसका भाव टूटकर 50,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया है। वहीं चांदी का भाव भी 0.16% टूट गया। इस कमी के बाद चांदी की कीमत कम होकर 61,437 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। कार्तिक आर्यन की अभिनेत्री को डेट करने की बात कबूल करने के बाद से ही सारा अली खान का नाम सुर्खियों में आने लगा है। दोनों ने इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल 2 में काम किया था, तब दोनों की रिलेशनशिप की खबरें खूब सामने आई थी। सारा और कार्तिक को कई मौके पर साथ भी देखा गया था। ऐसे में लोगों का मानना है कि कार्तिक ने सारा अली खान को ही डेट किया था, हालांकि दोनों ने कभी इस बात की पुष्टि नहीं की थी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए यूपीएस न्यूज 24 लाइव।